फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मस्त किचन। वंस अगेन बंगाली कुजीन में मैं आज आप लोगों के साथ चिंगड़ी मछली एक स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चिंगड़ी मछ यानी कि झींगा मछली प्रॉन, ये बनाने के लिए मैंने खसखस और दही दोनों का इस्तेमाल किया। इसे मैंने अपने किचन में एक्सपेरिमेंट किया और इसका स्वाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। लेट्स मूव टू माय मस्त किचन टू प्रिपेयर दोई पोस्तो चिंगड़ी। दोई पोस्तो चिंगड़ी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 150 ग्राम प्रॉन्स, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। इसके साथ हमने लिए हैं 2 छोटे चम्मच खसखस, जिसको ग्राइंडिंग जार में पेस्ट कर लिए हैं, और 2 छोटे चम्मच दही, और लिए हैं 1 प्याज जिसको हमने चॉप कर लिए हैं, 2 हरी मिर्च जिसको हमने स्लिट कर लिए हैं, 1 मीडियम साइज टमाटर जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, और इसको बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। इस डिश को बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करें। इसके साथ ये बहुत ही अच्छा बनता है। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल गर्म करें। ग्रीन चिली ऐड कर दें। ग्रीन चिली को 30 सेकंड्स तक फ्राई कर लें। अब काटी हुई प्याज ऐड कर दें। अब प्याज में 1/2 छोटी चम्मच चीनी ऐड कर दें। इसे इस प्रिपरेशन का कलर और टेस्ट दोनों ही बेटर होता है। प्याज को हमने लाल होने तक भून लेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें कटी हुई टमाटर ऐड करेंगे। अब 1/3 छोटी चम्मच हल्दी ऐड कर दें। नमक स्वाद अनुसार ऐड करें। अब टमाटर को 1 मिनट के लिए भून लें। अब टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको ढक के पकाएं। इसे करीब 2 मिनट लगता है। आप 1 कटोरी में खसखस पेस्ट ऐड करें और इसमें दही भी ऐड कर दें। आप इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर दें। मिक्स करने के लिए आप फोर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही और पोस्तों की मिक्सचर तैयार हो गया है। कढ़ाई का ढक्कन खोलते हैं। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और प्याज अच्छी तरह भून गया है। अब हम इसमें दही और खसखस का मिक्सचर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब इस मिक्सचर में प्रॉन ऐड कर दें। प्रॉन को 1 मिनट के लिए भून लें। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और 1 और बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में ऐड कर दें। सरसों तेल ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम हाई पर कर दें और प्रॉन को 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भून लें। भूनने के वक्त चम्मच को कंटिन्यूअसली चलाते रहें, नहीं तो नीचे से जल सकता है। प्रॉन को अच्छी तरह भून लिए हैं। अब हम इसमें 1/4 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। मिक्स कर दें।
अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और कढ़ाई को ढककर 5 से 7 मिनट तक प्रॉन को पकाएं। 7 मिनट बाद ढक्कन को रिमूव करें। दोस्तों, हमारा यूनिक और बहुत ही टेस्टी दोई पोस्तो चिंगड़ी बनकर तैयार हो गया है। इस डिश में ग्रेवी थिक ही अच्छा लगता है, पर अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो गर्म पानी ऐड करके ग्रेवी को एक बार बॉयल कर लें। सर्व करने से पहले हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। फ्लेम को बंद कर दें। दोई पोस्तो चिंगड़ी को मैं आज चावल के साथ ही सर्व कर रही हूँ, पर आप रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रेसिपी। इसे अपना किचन में जरूर ट्राई करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।